दोस्तों स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6 इसका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। ये लुसेंट से हम पढ़ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो अगर इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे आप 5 लेसन जो था तो वो इम्पोर्टेंट था, इसे रिलेट करता था वो, तो वो अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, काफ़ी छोटा था, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन था उसमें से, तो वो देख लीजिएगा। तो देखो स्टार्ट है, पहला क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसी को कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये गुजरता कहाँ से है तो ये ग्रीनविच लंदन यहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, इसे किस वर्ष किया गया 1884 ईस्वी में 1884। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है, तो यह 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, आंसर हमारा डी सही है। फिर है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, वहाँ से जो काल्पनिक रेखा मध्याह्न निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि वही से क्या होता है पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा होने का कारण क्या है, समय और तिथि के अंतर को समाप्त करना। ये देखो इसका मेन कारण बहुत सारा है, क्योंकि जैसे अगर आप मैप देखोगे तो क्या है हर कंट्री तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर शेप में है कि बीच से आप लाइन सीधा खींच दोगे, ऐसा नहीं है। कोई कंट्री अगर आप इस शेप में है तो वहाँ पे क्या होगा, इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया है, तो इसीलिए क्या है वो टेढ़ा है ताकि समय और तिथि का दिक्कत नहीं हो। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न आता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे अधिक टाइम जोन कौन से कंट्री में है। ध्यान रखिएगा इससे पहले सबसे अधिक टाइम जोन, इससे पहले अगर आप बुक पढ़े होंगे 2019 से पहले तो आप लोगों ने रसिया पढ़ा होगा, लेकिन अभी चेंज हो गया है, तो ये आप गूगल कर लेना, देख लेना काफ़ी। चलो हिंट देता हूँ, पहला कंट्री का नाम एफ से स्टार्ट है, ठीक ना, देख लेना और मुझे कमेंट में बताना कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे अधिक टाइम जोन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय का एक समान होना, यही कारण है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है, तो वहाँ पर मुख्य कारण उसका क्या होता है, वो होता है एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण क्या होता है, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि ये सारा द्वीप समूह क्या है, एक मीन्स जैसे कंट्री के रूप में काम करता है वैसा काम करता है, तो उसको टाइम भी क्या चाहिए, एक ही चाहिए, इसीलिए वहाँ पे टेढ़ा है। फिर है यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि सारे जब आप घड़ी में टाइम सेट करते होगे तो क्या होता है +5:30 लिखा रहता है, ऐसा ही रहता है, तो जब 12 बजेगा तो क्या होगा 5:30 का इवनिंग होगा, ध्यान रखना इवनिंग। नेक्स्ट है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, कितने में 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो देखिए भारत का करता है 82.5 डिग्री, प्रारंभिक समय में भारत में भी कितना था, 2 टाइम जोन था, एक गुजरात के आसपास से गुजरता था और एक था अरुणाचल प्रदेश में, जिससे काफ़ी दिक्कत होता था, दोनों में 2 आवर का अंतर था, तो इसके लिए बाद में क्या कर दिया गया दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया गया और हमारा टाइम जोन क्या हो गया, इलाहाबाद के नैनी में हो गया, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। निश्चित नेक्स्ट है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निर्धारित होता है, निश्चित होता है कहाँ से होता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहाँ से होता है, और ये इम्पोर्टेंट है इसको याद रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे और आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने टाइम का अंतर है, तो 2 आवर का वैसे, ठीक है, लेकिन घड़ी के अकॉर्डिंग नहीं अंतर है, जैसे मान लो सन अगर 4 बजे उगेगा अरुणाचल प्रदेश में तो 6 बजे आपको गुजरात में नजर आएगा, 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है, तभी हम पढ़े हैं 5.5 घंटा, तो 5:30। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एक स्थानीय समय एक समान है, कहाँ का, नैनी, नैनी, भारत
के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थित स्थानों पर स्थानीय समय से कितना का अंतर है? तो मैंने बताया कितना का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। पूर्व से पश्चिम मीन्स पूर्व में क्या है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में है गुजरात, दोनों में डिफरेंस कितना का है, 2 आवर का। याद रखना है, पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 युग्मोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह क्या होता है, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। आंसर हमारा ये सही है। फिर है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे हो तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वो होगा 180 डिग्री ईस्ट। देखो, 1 घंटा 15 डिग्री पे डिपेंड करता है, तो आप इसको कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ग्रीनविच पर समय पूर्वाहन 12 बजे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो वहाँ पे क्या होगा, संध्या का 3:20 हो रहा होगा। फिर यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि में 12 बजे हो तो 30 डिग्री पे क्या होगा? तो 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 2 बज जाएगा। 2 मीन्स 1 घंटा पे 15 मिनट्स लेना है आपको, ठीक ना, 1 घंटा आगे करना है। इस तरह से आप आसानी से निकाल पाओगे, मतलब 1 आवर में होता है 15 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो 2, तो 12 में 2 ऐड कर दो, 2 बजे, तब आसानी से निकाल सकते हो। देखो, यह प्रश्न दे दिया गया, पृथ्वी में 2 स्थानों पर स्थित अनुधैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो समय का डिफरेंस कितना होगा, 1 घंटा का। ये याद रहेगा तो आप इसको आसानी से फाइंड कर पाओगे। पर ये टाइम पूछा जाता है, आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, BPSC हो गया, MPPSC, किसी PCS टाइप के एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल देके। नेक्स्ट है, यदि 2 स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटा 20 मिनट, देखो 2 घंटा का मतलब हो गया 30 डिग्री, और 20 मिनट उसमें और ऐड कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। आंसर हमारा डी सही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर से। ग्रीनविच किस देश में है? तो UK, यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों का स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होता है? तो वो होता है 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, ये एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है, काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है, इसका ये भी सही है, और फिर सी गलत है इसका, ठीक है ना, ये आंसर है। तो 75 डिग्री अक्षांश हमको पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ लो, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर बार बार उसको पढ़ोगे तो आसान, मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है, इसी टाइप का सेम फॉर्मेट मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय से असमान नहीं होता है? तो कहाँ का होता है, इथोपिया का, अदिस अबाबा इथोपिया। फिर जब ग्रीनविच में मध्याह्न होता है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम हो रहा है, ठीक ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्मोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो होगा, जब एक जगह मध्याह्न होगा और अगर यहाँ 5 बजे शाम हो रहा है, तो वो किस पे होगा, 75 डिग्री पूर्व पे होगा, ठीक ना, पूर्वी देशांतर पे होगा। तो इस प्रश्न मीन्स इस सीरीज में 27 क्वेश्चन ही था, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब अगला मीन्स जो लेसन होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा हमको, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।